दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम करता हूं। याकूतपुरा रैन बाज़ार के करीब घर में आग लगने की वजह से मोहनलाल 55 साल और उनकी बीवी उषाबाई 50 साल दम घुटने की वजह से फौत हो गए थे। दवाखाना मुंतकिल करने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया था। इनकी पोत्री 15 साल शूरति जो कि आग में झुलस गई थी और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी, जिसे उस्मानिया दवाखाने के बाद यशोदा हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया था और इनके इलाज के लिए कम से कम पहले 2 लाख रुपए जमा करने की बात भी की जा रही थी, लेकिन 4 दिन के इलाज के बाद वो आज इस दुनिया में नहीं रही और ये भी जाँ बह हो गई और मरने वालों की तादाद 3 हो गई। इत्तलात के मुताबिक इनके घर में दीपावली की मिठाइयां तैयार हो रही थी, जहां पर कुछ पटाखे रखे हुए थे और दिया की चिंगारी उस पटाखे को लगने से घर में आग लग गई और धुआं इतना शदीद हुआ कि उस धुएं से दम घुटने से मोहनलाल 55 साल और उषाबाई 50 साल की मौके पे ही मौत हो गई और बाद अजां इनकी पोत्री जो 15 साल नौजवान लड़की 4 दिन से जेर इलाज थी, आज अपने ज़ख्मों को बर्दाश्त न कर सकी और इसकी भी आज मौत हो गई।